नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह से देश की महिलाओं ने विपक्ष को जमकर धोया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। में रहते हुए और मोदी जी के नहीं हो रहे हैं, वो सोचिए कि जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। उनकी ऐसी की तैसी, महिलाओं को इतना दिए, वृद्धा पेंशन, ये वो, मतलब कितना हम लोग के लिए मोदी जी, योगी जी पिता समान है, भाई है, पिता है, सब कुछ है एकदम। इस बार भी मोदी सरकार रहेगी, मोदी योगी हर जगह वही छाए हैं एकदम 100%। दवाइयों के घोटाले में इनके 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 पाए जाते हैं मंत्री और सारे इनकी टीम, शराब के घोटाले में ये पाए जाते हैं, शिक्षा में इनका पाया जाता है, और शीश महल के उसमें ये पाए जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप पाक साफ हैं, आपने पाक साफ तरीके से दिल्ली को चलाया है, तो आप जाइए। ईडी सीबीआई किसी के इशारों पे नहीं, एविडेंस पे काम करती है, और जब उसके एविडेंस की पुख्ता अगर उसको देखती है तो अंदर करती है। कोर्ट का प्रोसेस है, अंडर प्रेजुडिस मैटर है, उसमें मैं और आप तो कुछ करते ही नहीं है। कोर्ट उसका आंकलन करेगी, आप दलीलें होंगी, दलीलों के बयान के ऊपर आप या तो अंदर जाओगे या बाहर आओगे। आप बाहर इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि दलीलें आपके खिलाफ है, क्योंकि एविडेंस आपके खिलाफ है। देश का, इस भारत देश का एक नागरिक, एक ऐसा नागरिक जो इस देश का प्रधानमंत्री है, और इस देश की दशा और दिशा दोनों उसने परिवर्तित कर दी, जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 10 वर्षों में कर दिखाया है, और आने वाले 5 साल बाद भी, आने ये 5 साल वाला जो पीरियड होगा इसमें आपको खुद स्वयं अपने, अभी भी मेरे को गर्व महसूस होता है कि मैं भारत देश का एक ऐसा हिस्सा हूँ, और आने वाले 5 सालों में आप देखिएगा, देखने दिखाने लायक इस देश की रौनक होगी, व्यवसायें होंगी, लोगों को इतना सम्मान इस देश में मिल रहा है, और इस देश के लोगों को बाहर जाकर भी सम्मान मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बड़ी तैयारी हो रही है संविधान बदलने की। संविधान बदलने की बात नहीं होती है, संविधान में संशोधन की बात होती है। संविधान को तो इंदिरा गांधी ने बदला था इमरजेंसी लगा करके। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब मूल प्रस्तावना को ही बदल दिया गया था, आपने सुना यहाँ तक किसी भी देश में जिसके मूल प्रस्तावना को बदल दिया गया हो, और धर्म निरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द, जिसने समाज को खोखला कर दिया, वैसे शब्द सिर्फ तुष्टिकरण के लिए जो है वो लगा दिए गए हो, तो संविधान एक्चुअली बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। डूब मरो कांग्रेस यो। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी आ गए तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा। कौन सी डिक्टेटरशिप, 10 साल से किसी ने कोई डिक्टेटरशिप नहीं। ये खुद भी औरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद के ऊपर वोट करते हैं। सिर्फ जो बीजेपी है वो सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना रखती है, ठीक है। ये लोग, इन लोगों के, राहुल गांधी वगैरह के बाहर पता नहीं किन किन लोगों के साथ उठना बैठना है, उनकी यूएस की ट्रिप कोई स्पॉन्सर कर रहा है, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका सबका यही मानना है, उन्होंने इंडिया को खत्म करना है, इंडिया मीन्स भारत को खत्म करना है। उनका बैठना, उठना बैठना उन लोगों के साथ है जो भारत को खत्म करने की सोचते हैं, वो यूएस की स्पॉन्सरशिप वो कर रहे हैं, उनकी ट्रिप की स्पॉन्सरशिप, कहाँ से वो भला करेंगे लोगों का। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस यो। रोजगार सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे भागने से रोजगार नहीं मिलता। कोई इंसान आज के टाइम में अगर अपना नॉर्मल बिजनेस भी कर रहा है ना, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता है, कह रहे हैं कि भाई मोदी तो एक अनपढ़ नेता है, चाय बेचने वाला है, एक गरीब माँ का बेटा है, उसे क्या पता कि देश कैसे चलाया जाता है। साल से कौन चला रहा है देश, और कितना अच्छा चला, और ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड लीडर में वो नंबर वन है? और क्यों क्यों है? आज तक उनके प्रधानमंत्री जो इकोनॉमिक्स में सबसे नंबर वन थे वो तो नहीं आए हमारे इतने टाइम से। अभी क्यों एक चाय वाला ही क्यों 10 साल से ग्लोबल लीडर में नंबर वन है? क्यों वो यूएस का क्यों नहीं आ रहा, या यूके का क्यों नहीं आ रहा? अरविंद केजरीवाल, उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो मुख्यमंत्री बनेगी और वही वो कुर्सी पे बैठे। आज उन्होंने किससे कहलवाया? हाँ। अपनी चिट्ठी भेजी अपनी वाइफ किसे? हाँ। क्यों नहीं उस दूसरे अतिशी या जो भी उनके जो कार्यकर्ता है उनसे क्यों नहीं पढ़वाया? भाई क्यों आया, उनकी फैमिली क्यों आई, वाइफ क्यों सामने आई? आज तक तो नहीं आ रही थी, आज एक वो लेने के लिए आई है ना, तो परिवारवाद यही करेंगे अगर केजरीवाल की पत्नी अगर यदि वो सीएम बनी। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं तो योगी जी को लेके बैठी हूँ, ठीक है ना, योगी जी को लेके। हाँ बिल्कुल, हम तो योगी जी के राज में रह रहे हैं। आप जब अपने घर की महिला के लिए और अपने पार्टी की महिला के लिए आवाज नहीं उठाएंगी तो आम जनता के लिए क्या आवाज उठाएंगी? ये क्या उनकी रक्षा करेंगे? ये कोई रक्षा उनकी नहीं करेंगे, बस सिर्फ इन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, और उस राजनीति चमकाने के लिए अभी यदि ये उससे बाहर आए हैं जेल से, लेकिन इस बीच में ये अपना गुटबाजी बना रहे हैं कि अब हम ऐसा क्या करें
जो हमारे वोट के लिए, ये वोट के लिए फ्री फ्री कर रहे हैं। किसके लिए? वोट के लिए तो फ्री कर रहे हैं। आम जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कह रही हूँ शराब की जगह दूध देते ना, आटा देते, दूध आटा चावल दूध देते ना, है शराब एक के साथ एक फ्री दिए इन्होंने, तो इसलिए इनका जेल में रहना बहुत जरूरी है। तो कह रहे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लंदन बना दिया। लंदन बना दिया? अच्छा, ये तो पेरिस बन गई है, पेरिस बन गई है, तो लंदन नहीं बननी। बिल्कुल निकम्मा, एकदम निकम्मा है। उनकी ऐसी की तैसी, मेरे सामने आए तो पीट के रख दो। बजाओ ताली। कौन सी? फ्री, बिल्कुल बसें फ्री, पानी के बिल जो इतने आते ही नहीं थे, 50,000 रुपया पानी का बिल आ रहा है। कौन सा माफ कर दिया तुमने? पानी का बिल देखो कितना कितना आ रहा है, बिजली का बिल देखो कितना कितना आ रहा है। क्या फ्री दिया तुमने? बसें जो एसी में चलती थी बहनों के लिए बनाई, वो महीना चली उसके बाद खत्म, वो टूटी फूटी चल रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।